हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है 21 डे, यानी कि 21वां डे। अभी तक हम लोग ने 20 डेज में अभी तक हमने पढ़ लिया पीछे के जितने भी ऑर्डर प्रोसेसिंग, लास्ट हम लोग का टॉपिक था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है बेसिकली क्या, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक साथ इकट्ठा किए हुए। अब इसमें हम लोग को बेसिकली डिस्काउंट सीखने हैं, इसमें हमें एक्चुअल बिल्ड क्वान्टिटी सीखनी है, ट्रेड डिस्काउंट देना सीखना है, एडिशनल कॉस्ट सीखना है। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे इस असाइनमेंट के थ्रू। वैसे इसका जो सेपरेट वीडियो है अलग अलग टॉपिक्स पे बना हुआ है, बट आज हम लोग इसको एक असाइनमेंट के थ्रू देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दे रखा क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो कंपनी देखिए ऑलरेडी बन रखा है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 और बिगनिंग में भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए कहते हैं क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, तो ये हम लोगों ने लेजर्स भी बना लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे अल्टर करके चेक करा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग ने लेजर्स बना रखा है कैपिटल का सब कुछ। बस इसमें एक बड़ा ही ट्विस्ट था, वो क्या था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है 65,000, वो डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो लॉस है बेसिकली। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो क्रेडिट पकड़ लिया था, बट मैंने इसे डेबिट करके इसे लॉस कर दिखा दिया। और फाइनली ये कंप्लीट करने के बाद अगर आप बैलेंस शीट का टोटल देख रहे होंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल क्या है, दोनों तरफ इक्वल है। एसेट में सिर्फ एक एसेट है बैंक में, 2,80,000। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्योंकि आप लोग देखो आज 21st वीडियो आप लोग चेक कर रहे हो, तो 20 वीडियो तक आपने ये दोनों चीज़ें आसानी से सीख ली है, इसीलिए मैंने ये दोनों आपके सामने क्रिएट करके नहीं दिखाया। आज हम लोग को पढ़ना है 1 मई 2016 को कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर टू डिजिटल एक्सप्रेस 8 पीस माइक्रोमैक्स कैनवस 6, वेयर कैनवस 6 इज द मॉडल नंबर, वेयर 1 मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री, यहाँ पे एक मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री है, ईच मोबाइल सेट्स, ठीक है, 40 पीस हम लोग क्या दे रहे हैं, 40 पीस 64 GB सैंडिस पेन ड्राइव, वेयर द स्कीम इज बाइंग 1 गेट 1 फ्री, यानी जो 40 पीस जो एसेंडिस खरीद रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें एक पे एक फ्री चल रहा है, यानी कि हमारा 20 का बिल बनेगा 20 फ्री होगा। देन 20 पीस ईयरफोन खरीद रहे हैं और 20 पीस सैमसंग गैलेक्सी J3, तो इसका हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं किसको, डिजिटल एक्सप्रेस को विद द रेफरेंस नंबर दिस मंथ, यानी PO बनना है हमें परचेज ऑर्डर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बस उसमें 2-3 नई टॉपिक्स जोड़ने हैं। तो जब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट कर ले रहे हैं। स्टॉक आइटम देखिए क्या क्या चीज़ का बनेगा, सबसे पहले तो ये बनेगा माइक्रोमैक्स, ये जो कैनवस 6 है, तो ये हमारा आइटम हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंडर क्या होगा, ये क्या चीज़ है, तो मोबाइल है या सेलफोन है ना। देन आगे क्या यूनिट्स क्या है, यूनिट्स में देखिए क्या है, पीसेज है, ओके। सो यहाँ पे हो गया अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज करना है, देन कंट्रोल है, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इसी तरह से अगला फिर आइटम बनेगा क्या होगा, मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री, ठीक है ना, मोबाइल प्लास्टिक कवर जो फ्री वाला है, तो मोबाइल प्लास्टिक कवर बस लिखेंगे हम लोग, ये आइटम एक और बनाना पड़ेगा, ओके। और ये क्या है, हम लोग ये डाल देते हैं मोबाइल एसेसरीज में, ओके, मोबाइल एसेसरीज में मैंने डाल दिया, पीसेज में ही रहेगा, कंट्रोल है। अगला जो देखिए क्या बनेगा, 64 GB सैंडिस पेन ड्राइव, तो ये पेन ड्राइव है अगेन। अब देखिए एसेसरी में क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस में लिख देता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पीसेज हो गया, ये भी कंट्रोल है। अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका ईयरफोन, ईयरफोन हो गया आपका अगेन, ये भी क्या होगा, मोबाइल एसेसरीज में होगा, पीसेज में, कंट्रोल है। नेक्स्ट अगला क्या है, सैमसंग गैलेक्सी J3, ये तो मोबाइल है, ओके, ये मोबाइल हो गया आपका, पीसेज हो जाएगा, कंट्रोल है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने सारे आइटम्स बना लिए। अब PO करना है, तो PO के लिए आप सभी को पता है F11 दबाना होगा, और यहाँ पे होता है इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर में यहाँ पे होता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस करना होगा। अब ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे एक के साथ एक फ्री देना है,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी को यस करना होगा, जो कि यहीं पे होता है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, इसको हमें यस करना होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी यस करना होगा, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। क्यों? क्योंकि हम जब कोई अदर आइटम फ्री देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक कवर फ्री है, तो उसकी जीरो वैल्यू डालना है, तो जीरो वैल्यू एंट्री पास होती नहीं है। अगर हम जीरो वैल्यू डालेंगे तो वो आइटम हट जाएगा अपने आप, तो इसलिए हमको जीरो वैल्यू की एंट्री भी पास करनी है, जीरो वैल्यू का स्टॉक आइटम दिखाना है, इसलिए इसको हम यस कर रहे हैं। एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी, क्योंकि हम एक्चुअल देंगे 40 पीस लेकिन बिल बनाएंगे 20 का, तो इसलिए एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी भी हमें यस करना है। बाकी ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर प्रोसेसिंग तो आप लोग पढ़ ही चुके हो अभी पिछले वीडियोस में, कंट्रोल ए, सॉरी यस नहीं किया था मैंने, फिर से यस कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल ए हो गया यस। अब देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर करना है, ओके, तो एल्ट के साथ F4 परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे डेट देख लीजिए, डेट का बड़ा ख्याल रखिएगा, डेट यहाँ पे 1 मई है। पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम है आपका डिजिटल एक्सप्रेस, तो हम लोग पार्टी बना लेते हैं डिजिटल एक्सप्रेस का। ये क्या है? सेंडरी क्रिएटर है, कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर आपने देख ही रखे हो, PO नंबर दे रखा है, तो PO नंबर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन परचेज लेजर, यहाँ पर परचेज का लेजर बनेगा Alt C से, परचेज अंडर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए। देन आइटम, अब यह देखिए यहाँ पे है क्या, तो आइटम दे रखे हैं सब लोग, 8 पीस है माइक्रोमैक्स कैनवस, तो माइक्रोमैक्स कैनवस 6 है, ओके, एक्चुअल में कितना है 8 पीस, बिल भी 8 पीस का बनेगा। रेट अभी कुछ क्लियर नहीं है, रेट अभी सामने वाला देगा हमें, फिलहाल इंटर बिना रेट के हम लोग डालेंगे। देखो बिना रेट के डालने, इसीलिए मैंने बोला जीरो वैल्यू एंट्री पास कर यस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो वैल्यू की एंट्री पास करने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहीं रेट नहीं था इसलिए मैं रेट नहीं डाल रहा हूँ। अभी तक हमने ऑर्डर किया था तो याद होगा आप लोग अमाउंट डालते थे, इस बार देखो ऑर्डर में हमने कोई वैल्यू नहीं डालना। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ मोबाइल प्लास्टिक कवर भी है, तो मोबाइल प्लास्टिक कवर भी हम लोग यहाँ पे कितना 8 पीस देंगे, लेकिन ध्यान रखिए बिल नहीं बनेगा, तो बिल पे मैं स्पेस दबा दे रहा हूँ, क्योंकि बिलिंग इसकी नहीं होनी है। एक्चुअल में 8 पीस जाएगी लेकिन बिलिंग में मैंने स्पेस दबा के हटा दिया, तो इस तरह से 8 के साथ 8 फ्री चला गया, टोटल 16 आइटम जा रहे हैं, लेकिन बिल कितने का बन रहा है 8 आइटम का। नेक्स्ट क्या है, अगला आप लोग चेक कर रहे होगे, तो 40 पीस 64 GB, ठीक है ना, सैन डिस्क मोबाइल है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कितना जा रहा है 40 पीस, लेकिन बिल कितने का बनना है सिर्फ 20 का, क्योंकि एक के साथ एक फ्री है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है, 20 पीस ईयरफोन, तो ईयरफोन देखिए 20 पीस है, यहाँ तो कहीं कोई टेंशन नहीं, पूरे 20 का बिल बनेगा। अगला क्या है, सैमसंग गैलेक्सी J3 जा रहा है, ये भी कितना पीस, 20 पीस, 20 का पूरा बिल बनेगा। दैट्स इट, तो ये आपने देख लिया, हमने परचेज ऑर्डर डाल दिया, बीइंग प्लेस एन ऑर्डर। अब देखिए ये जो अभी हमने जो किया है एंट्री, आप इसमें देखिए आपने दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली, आपके दो डाउट्स क्लियर हो गए। जब हम एक के साथ, एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री देते हैं तो कैसे देना है, और जब सेम आइटम के साथ सेम आइटम फ्री जाती है तो कैसे पकड़ना है, तो सेम आइटम फ्री भी हो गया और अदर आइटम फ्री भी हो गया, और एक्चुअल जीरो वैल्यू एंट्री का क्या यहाँ पे काम है ये भी आपने समझ गया। अब पेज अप कर रहे हैं, देखो सारी हिस्ट्री अभी सारे आइटम दिख रहा है, लेकिन अगर जीरो वैल्यू एंट्री नहीं एस किया होता तो सेव ही नहीं होता है ना, और जैसे ये लाइन होती है गायब हो जाती प्लास्टिक कवर वाली, और वैल्यू मांगता पहले तो। अब आप सभी को पता है ये इस ऑर्डर की एंट्री है, इसका कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर जैसा होता है, यानी ये एंट्री ऑर्डर की एंट्री हो करके भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए होता है जो हम मेंटेन करते हैं। अब देखिए अगला है क्या है, अगला कह रहा है ऑन 2nd February 2016 को, मई है ये, ओके, तो 2nd May 2016 को क्या कह रहा है, डिजिटल एक्सप्रेस डिलीवर ऑल द प्रोडक्ट्स टू योर कंपनी एंड स्टोर्ड ऑल आइटम इन भवानीपुर गोडाउन। तो उसने क्या किया, डिजिटल एक्सप्रेस ने डिलीवर कर दिया सारा गुड्स, तो मेरे को मतलब रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट के लिए आपने पढ़ा है, रिसिप्ट नोट के लिए इन्वेंट्री इन्फो, और यहाँ पे हम लोग को ट्रैकिंग डिलीवरी और रिसिप्ट नोट यस करना होगा, कंट्रोल है। अब हम लोग जाते हैं Alt F9 करते हैं रिसिप्ट नोट,
इसको सेकेंड डे यानी 2 मई को रेफरेंस नंबर में हम लोग चालान नंबर भर देंगे, तो ये चालान नंबर देखिए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल एक्सप्रेस है, अब पीओ नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली सारे आइटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रैकिंग नंबर प्रॉपर सही पकड़ रहा है, तो ये लगभग सब सही है। बिल में देखो आ गया, बिल से यहाँ हटा देना क्योंकि बिलिंग नहीं करनी है इसकी। बाकी यहाँ पे देखिए सब कुछ सही है, लेकिन अब सॉल्ट तक गोडाउन भी तो पकड़ाना था, तो गोडाउन हमने एक्टिव ही नहीं किया, तो यहीं पे हम F11 दबाएंगे, तो हम लोग मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर लीजिएगा क्योंकि गोडाउन भी हमें पकड़ाना है। अब जब हम इंटर करेंगे, अब हमें हर जगह क्या मांगेगा, गोडाउन मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए गोडाउन स्पेस करिए, बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन बना होता है, हम अड्डी से यहाँ पे बना लेंगे भवानी, ये एड्रेस एड्रेस लिखना है, लिखिए ये हो गया। अगेन यहाँ पे हो जाएगा भवानीपुर, बिल नहीं बनेगा, स्पेस दबाते रहिएगा, ये ध्यान देना है आपको एंट्री करते समय, ये सब सही जा रहा है, सही है यहाँ पे। ओके सो बाकी देखिए 96 पीस जा रहा है, लेकिन 96 पीस हमारे पास आया है, लेकिन बिल कितने का बनना है, 68 पीस का। बींग ऑर्डर्ड गुड्स रिसीव, तो ये हो गया, हम लोगों ने एंट्री कर ली। तो ये एंट्री करने के बाद फिर अगला देखिए क्या है, अगला है आपका ऑन 2 मई 2016 को डिजिटल एक्सप्रेस रेज अ बिल वेयर द प्राइस, अब यहाँ पे देखो प्राइस दे रखी है, अब उसने बिल मेरे को भेजा, तो बिल भेजेगा तो जाहिर सी बात है एंट्री होगी F9 में, इसके लिए कुछ भी एक्टिव कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर मांग रहा है, यहाँ से एल्टा दबा दीजिए, इन्वेंट्री इनवाइस, इसको आइटम इनवाइस कहते हैं, ये देखो बटन होता है इसका, अकाउंटिंग इनवाइस के लिए एल्टाई, क्योंकि अकाउंटिंग इनवाइस आ गया, वापस आइटम इनवाइस लाने के लिए एल्टाई ही दबाना है। अब यहाँ पे सप्लाई इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर आई थिंक दिया था, ये इनवाइस नंबर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस नंबर में पेस्ट कर देंगे। अब देखिए बिल किस दिन बन रहा है, 2 मई को ही बन रहा है, ठीक है 2 मई सही है। पार्टी नेम क्या है, डिजिटल एक्सप्रेस, डिजिटल एक्सप्रेस जैसे ही पकड़ाएंगे तो देखो यहाँ पे चालान नंबर आता है, चालान नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा, सारी ऑर्डर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, डिजिटल एक्सप्रेस रेज द बिल वेयर द प्राइस ऑफ माइक्रोमैक्स कैनवस का 13,999 है, तो इसका जो प्राइस है ना 13,999 हो गया। यहाँ देखो प्राइस, भाई बिल में तो भाई प्राइस डालना पड़ेगा, बिना प्राइस के तो बिल एक्सेप्ट हो गई नहीं। अब यहाँ पे आपको पता है ये चीज़ फ्री जा रही है, तो इसमें तो प्राइस डालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे 40 पीस है, बट 20 का बिल बनेगा, और इसमें जो प्राइस जा रही है वो कितनी जा रही है, 620, तो 620 का एक पेन ड्राइव है, 20 पीस का दाम हो गया। ईयरफोन जरा देखिए कितना है, ईयरफोन है 150 रुपीज़ का। फिर सैमसंग J3 मोबाइल है, इसका प्राइस है आपका देखिए 8,990, तो ये हो गया टोटल बिल 3,07,192, लेकिन अभी तक बात ख़त्म नहीं हुई है। अब कह रहा है क्या कि दे चार्ज लोडिंग चार्ज ऑफ 1500 रुपीज़ इन द इनवाइस, उन्होंने 1500 रुपये लोडिंग चार्जेस भी जोड़ रखे हैं। तो इसके लिए देखिए यहीं पे F11 आपको दबाना है, और यहाँ पे देखिए F2 इन्वेंट्री में चलिए, यहाँ पे होता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या होगा, ऐड होगा, इसलिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करिए। अब देखिए मैं यहाँ पे सीधे आ जाता हूँ, नीचे आने का एक तरीका था, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या करिए, लेज़र क्रिएट कर लीजिए, टोटल के नीचे आ जाइए और यहाँ पे LC करके लेज़र क्रिएट करिए लोडिंग चार्जेस के नाम से। तो ये हमारे लिए है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि खरीदने की कॉस्ट है, परचेज करते समय जो भी खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, परचेज कॉस्ट है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब परसेंटेज में नहीं डालना है, सीधे वैल्यू डालना है, परसेंटेज डालना होता तो यहाँ पे गलती से 1500 मत करिए, 1500% हो जाएगा, वो बहुत ही घातक सिद्ध होगी, सिर्फ 1500 रुपये है, तो यहाँ पे 1500 रुपये ऐड हो गया, 3,08,692 का बिल हो गया।
बीइंग गुड्स परचेज, दैट्स इट, हो गया परचेज की एंट्री। परचेज करने के बाद अब देखते हैं स्टॉक समरी। ओके, मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, ईयरफोन, ठीक है, सबका रेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे परचेज हो गई। आप इसको पीएल भी जरूर चेक कर लीजिएगा, एंट्री करने का देखिए पीएल में कितना दिख रहा है, 3,07,000 परचेज अकाउंट है, उसमें लोडिंग चार्जेस भी क्या है, 1500 रुपये दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए कहाँ दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिलहाल तो लॉस दिख रहा है 1500 का, क्योंकि अभी कुछ भी इनकम हुई नहीं है, 1500 रुपये खर्च ही हुए। अब देखते हैं यहाँ पे 31 मई 2016 को कंपनी सोल्ड 8 पीस ईयरफोन 180 का, 2 पीस सैमसंग J3 9800 का टू टेक मीडिया विथ 2% रेट डिस्काउंट ऑन ईच पीस। तो चलिए ठीक है, अब टेक मीडिया को हम सामान बेच रहे हैं, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, F11 में जाइए, यहाँ होता है इन्वेंट्री फीचर, यहाँ होता है सेपरेट रेट डिस्काउंट कॉलम। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमें सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को क्या करना होगा, यस करना होगा। अब हम लोग जाएंगे, सेल ऑलरेडी यस रहता है, F8 दबाइए, सेल तो ऑलरेडी एक्टिव है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर में हमें क्या करना है, ये बिल नंबर हमें पकड़ा देना है, पार्टी नेम, पार्टी नेम एलसी कर लेते हैं, और यहाँ टेक मीडिया, टेक मीडिया हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, सेंडरी डेटर है हमारा, कंट्रोल है, वहाँ क्या डिलीवरी नोट ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेल्स लेज़र यहाँ मांग रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स का लेज़र बना देंगे, सेल्स का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट, दैट्स इट, इंटर, एक्सेप्ट। अब देखिए आइटम क्या क्या बेचा गया, सबसे पहली चीज़ 8 पीस ईयरफोन बेचा गया, तो ईयरफोन देख लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल, कोई चलान नहीं था, गोडाउन कहाँ से जाएगा, अब देख लो किस गोडाउन में पड़ा, भवानीपुर, कितने पीस जा रही, 8 पीस जा रहे हैं, रेट किस रेट से हम लोग बेच रहे हैं इसको, 180 के रेट से, आप लोग को याद होगा हम लोग ने 150 के रेट से खरीदा था, 180 के रेट से बेच रहे हैं। डिस्काउंट यहीं पर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम है, सबको पता है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% देखो माइनस हो गया, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 1440 है, जैसे मैं 2% लिख रहा हूँ माइनस हो गया सीधे अमाउंट में से, बिलिंग अमाउंट, वो बिल्ड बता रहे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअल में 8 जा रहा है और बिल भी 8 का बन रहा है, कुछ फ्री नहीं है। अगला क्या है, ईयरफोन के बाद अगला कह रहा है क्या, 2 पीस सैमसंग गैलेक्सी भी बेच रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी कहाँ से बेचेंगे, भवानीपुर से, कितना का बेच रहे हैं हम लोग, 9800 का, सॉरी पीसेज में भरना था, कितना पीस जा रहा है, 2 पीस बिक रहा है, 9800 डिस्काउंट कितना, 2% हो गया। तो हमें ये डिस्काउंट देना भी आ गया ट्रेड डिस्काउंट, आपको पता है इसका खाता नहीं बनता है, लेज़र नहीं बनता है, तो हमने सिर्फ सेपरेट डिस्काउंट में शो कर दिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बस अब एक्सेप्ट कर लिया जाए। न्यू रेफरेंस, अगेन बिल नंबर यहाँ भर लेते हैं हम लोग, बिल नंबर यही था, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेल्स की एंट्री, अब चलते हैं पीएल चेक करते हैं। तो पीएल में देखिए फिलहाल इतना जद्दोजहद करने के बाद भी लॉस ही है 60 रुपये 80 पैसे का, चलिए कोई नहीं, अभी और अच्छा बिजनेस करते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे 31 मई 2016 को कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अमाउंट टू डिजिटल एक्सप्रेस बाय चेक ऑफ कॉरपोरेशन बैंक। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए कंपनी को पेमेंट करना है डिजिटल एक्सप्रेस को, खैर पैसे है नहीं फिर भी चलिए पेमेंट नहीं, पैसे तो है बैंक में तो पेमेंट कर ही देते हैं। डेट क्या है, 31 मई को। अच्छा, एक और चीज़ गड़बड़ी हो गई, पीछे की एंट्री हमें 31 मई को करनी थी। डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं, सेल्स की एंट्री हम लोग को 31 मई को करनी थी, अब देखिए डेट सही हो गया। अब हम लोग एंट्री आते हैं, पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट करना है डिजिटल एक्सप्रेस को, डिजिटल एक्सप्रेस कितना पेमेंट कर रहे हैं, एंटायर ड्यू, तो एंटायर बैलेंस यहाँ दिख रहा है 308692, ये टोटल अगेंस्ट रेफरेंस हो गया,
अब पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, बैंक के थ्रू, कॉरपोरेशन बैंक हमारे पास है और पैसा है ही नहीं, देखो नेगेटिव चला जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं इंटायर अमाउंट पेमेंट करना है, तो कर देते हैं ना सर। अब आपका सवाल ये उठ रहा होगा, सर नेगेटिव कैसे हो सकता है बैंक? हो सकता है, बैंक में माइनस में भी, आपको पता है बैंक में ओडी भी चलती है, तो माइनस में बैलेंस है। तो 4440330 ये हमने चेक नंबर यहाँ डाल दिया, अकाउंट पे ही चेक है ये। ओके, फेवरिंग नेम डिजिटल एक्सप्रेस के नाम पे चेक काट रहे हैं हम लोग, बीइंग पेमेंट मेड, तो ये हम लोग ने एंट्री कंप्लीट कर दी, तो ये हो गया कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, आपको पता है प्रॉफिट पे कोई खास असर नहीं है, अभी तो लॉस ही दिख रहा है 60 रुपये 80 पैसे का। बैलेंस शीट, ओके, ये दिख रहा है आपका बैलेंस शीट का टोटल भी, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अभी इसमें ध्यान रखिएगा आगे भी क्वेश्चंस हैं और भी स्टडी करनी है, तो जाहिर सी बात है वो हम 22nd वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक आप कंप्लीट करिए, पहले इसको अच्छे से करिए। बहुत सिंपल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर है, प्लस कुछ फ्री वाले आइटम्स है वो आपको सीखने हैं यहाँ पे, और क्रेडिट डिस्काउंट भी देना सीखना है आपको। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।